बहुत बहुत धन्यवाद जो भी सम्मानित शिक्षकगण थे, सभी का बात आप लोग सुने होंगे आई होप। तो कुल मिलाकर अब मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस बोलो या फिर मैं भी अपनी बातों को कुछ रखना चाहता हूँ। देखो कुल मिलाकर बात यहाँ ये फिट होता है कि सभी के द्वारा बताई गई जो चीजें होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं मोटिवेशन। देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो तुम बहुत अपने से कर रहे हो, एक तुम्हारा कोई हेल्प करने वाला होता है, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। मान लो तुम चीजों को सिर्फ कर रहे हो, अपने मन से करते जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ इफेक्ट पड़ जाता है किसी की बात को सुनकर, चाहे तुम उससे मोटिलाइज्ड हो चाहे डिमोटिलाइज्ड हो। ठीक है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारा ब्रेन का दोस्त बोलो, क्योंकि हम वैसा ही कुछ बताई गई चीजों से डिमोटिलाइज भी हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई अगर डरा धमका दिया कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे होता है, हम या तो डिमोटिलाइज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर और मोटिलाइज्ड का मतलब होता है मोटिवेशन। तो कुछ दिमाग जो है कैचिंग पावर भी होता है, दिमाग का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है सोचने का, समझने का, किसी की बात कैसे भी इफेक्ट पड़ता है। देखो इम्यूनो सिस्टम जो होता है हमारा, मेहनत करने का जो तरीका होता है, जो एनर्जी होता है, वो आखिर आता कहाँ से है? तो किसी से सुनकर आता है, किसी को देखकर एनर्जी आता है। ठीक है, तो ये खुद ऑटोमेटिक नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड है बोल सकते हो, कर सकते हो इसको। तो कुल मिलाकर इसका ज्यादा इफेक्ट भी दिखता है। जैसे मान लो कोई हमें अगर जो चीजों पर अगर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर दिया तो हम लोग उधर ही मुड़ जाते हैं, या फिर बोलो ज्यादा से ज्यादा जिस चीज से हम लोग रूबरू होते हैं वो ज्यादा ही उससे हम लोग ज्यादा ही जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों पर एक सुनने का चाहे किसी को देखने से भी इफेक्टेबल होता है। तो कुल मिलाकर आप जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं उनकी बातों को सुनकर उनका हो सकता है आपके अंदर कुछ मेहनत करने की शक्ति या कुछ सोचने समझने की शक्ति कुछ अर्जित किए होंगे। और अंततः जैसा कि आप जानते हैं कि लोग गॉड पे छोड़ देते हैं, लोग भगवान पे छोड़ देते हैं, लोग किसी दूसरे पर की भरोसे, तो भाई सबसे भगवान तो सबसे पहला कौन है? आप अपने को मान लो ना, अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि हम अगर बढ़िया से पढ़ेंगे बढ़िया रिजल्ट आएगा, वरना अगर हम छोड़ देंगे कि सब ऊपर वाले पर, तो सब ऊपर वाले नहीं होता है। बोलते हैं ना, जिस किसी का हाथ नहीं है उसका लकीर नहीं है क्या? उसका भी लकीर है भाई, है ना। तो कुल मिलाकर अपना मेहनत ही रंग लाता है। सबसे पहला पॉइंट कि आप जितना मेहनत करोगे, आप दी गई चीजों को मटेरियल को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना आपका वो चीज स्ट्रॉन्ग होगा। कुल मिलाकर अभी अभी हमारे सामने क्या होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स है या साइंस है या हिंदी, हम उसी को सिर्फ पढ़ते रहे, क्योंकि आपका संस्कृत भी इफेक्टेबल है, आपका SST भी इफेक्टेबल है, क्योंकि हम लोगों को ओवरऑल रिजल्ट करना है, ओवरऑल चीजों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ना बहुत कठिन है, जैसा कि हम बार बार क्लासों में भी बोल देते हैं, पढ़ना रियलिटी में कठिन है विद रिस्पेक्ट टू पढ़ाना, क्योंकि आप समझो एक स्टूडेंट को ना पढ़ना सब सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको SST भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, हिंदी, मैंने पांचों सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन उस पांचों सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम लोग पूरा टीम वर्क करते हैं, ये सच है। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे सामने पांचों सब्जेक्ट पढ़ने का है, और पांचों इक्वालिटी पढ़िए, पांचों में हमको अच्छा स्कोर करना है, देन आपका ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर जैसा कि सर भी बताया आप लोगों को, सभी चीज आपको डबल है, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, आपको चीजों अच्छा करने का, ठीक है, चीजों को अच्छा करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप अगर इससे चूक जाएंगे बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपको सब में डबल है, और इतना चीज तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, चाहे लॉकडाउन का समस्या है चाहे कोई भी समस्या हो, इतना चीज हम लोगों का जरूर कंप्लीट हो गया है कि कोई भी अगर दिन खराब होगा ना, हम लोग का 50% आराम से सही सही आंसर होगा। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में, लेकिन हाँ चीजों को बार बार रिविजन करना है, ये मन में बैठाना है। और जैसा कि हम पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि डेली आपको पढ़ने का टारगेट बनाइएगा, इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, इतना बजे तक उठ जाना है, तो आप टाइम ही देखते रह जाएंगे। आपको क्या करना है
एक कॉपी पे ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि देखते होंगे आप अगर ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे, लिखने के साथ साथ पढ़ाई भी होगा, ठीक है। अरे बोलेंगे ना अंदर मन ही मन, तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा लिखना है। लिखने से डबल फायदा, पहला तो राइटिंग सुधरेगा, दूसरा उसके साथ साथ आपका अंदर मन ही मन पढ़ाई होगा, और एक चीजों को रटने से, और पता है ना रटने वाला जो विद्या है वो ज्यादा दिन तक इफेक्टिव नहीं है। अगर वही चीजों को, एक ही क्वेश्चन को अगर हम ज्यादा बार नहीं, 4 से 5 बार आप लिखिए, वो ऑटोमेटिक कुछ तो बात याद रहेगा। जैसे मान लो कि हमको क्वेश्चन आया किसी भी टॉपिक पे, हमको कुछ बात याद है, कुछ बात तो जोर जोर के लिख सकते हैं ना, तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हो भाई। एक लड़का जो है पूरा सादा पेज छोड़ दिया है, और एक है कि कुछ कुछ लिख दिया है, तो कितना संभावना है नंबर मिलने का। जो कुछ लिखा है और जो कुछ सादा ही छोड़ दिया, उसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता है नंबर मिलने का, ठीक है। तो अपने आप को क्या करना है, सब्जेक्टिव में कुछ लिख ही देना है, चाहे तुमको उसका उसका नॉलेज है या नहीं, मतलब क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, पहला पॉइंट आप ये ध्यान देंगे। लेकिन अभी हमको इसके लिए काम नहीं करना है, अभी तो आपको मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करना है। कुल मिलाकर आपको अभी के बाकी के बच्चे दिनों में ना पूरा दम भर के मेहनत करना है, जो बाकी का बच्चा है। क्योंकि अब लास्ट देखो, कहते हैं ना लोग कि किताब खत्म कर देना, हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका तैयारी नहीं ना हुआ भाई। तो कुल मिलाकर चीजों को कंप्लीट करना तैयारी नहीं होता है, तैयारी का मतलब रिविजन, उसी को 2 बार 3 बार 4 बार गहन अध्ययन, वो आपका तैयारी हुआ एग्जाम का, ठीक है। तो हम लोगों का सब चीज कंप्लीट कर दिया गया है, चाहे हम लोगों को जितना भी चीजें थी उसको सब कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप उन चीजों को किस तरीके से गहन अध्ययन कर पा रहे हैं। आपको आपके सामने सभी क्वेश्चंस हैं, सभी असाइनमेंट हैं, सभी क्वेश्चन का ढेर पड़ा हुआ है, आप हर एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ बात था जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, देन आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा कि सर भी बोले कि हम लोगों का एक विदाई समारोह, एक फेयरवेल पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी फंक्शन, पार्टी फंक्शन का मेन मकसद क्या होता है कि एक आपसी भाईचारा को कायम रखना। देखो हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं, जहां तक कि होली दिवाली, ये सबसे होता क्या है, ये सबसे आपसी भाईचारा प्रेम का भाव बढ़ता है। अगर मान लो कि अगर बगल से अगर किसी दूसरे से लड़ाई उड़ाई भी होता है, तो कोई त्योहार आता है उसमें अरे कम से कम मिलता तो है, एक जगह इकट्ठा तो होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर फेयरवेल या कोई भी फंक्शन या कोई भी पार्टी होती है, तो आपसी भाईचारा, आपसी संबंध को तगड़ा बनाने के लिए होता है। जो बॉन्डिंग होना चाहिए एक स्टूडेंट और टीचर के बीच, उस बॉन्डिंग को स्ट्रोंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो बात रहा कि शिक्षक और गुरु, जो गुरु और बोल सकते हैं कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का जो संबंध होना चाहिए, एकदम फ्रेंडली होना चाहिए, एकदम जो भी आपका डाउट्स है बोल सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर करो। और हाँ, दूसरा बात, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बोले कि मान लो तुम घर पे पूरा पढ़ रहे हो, और ध्यान रखना ना, डाउट्स या प्रॉब्लम उसी का होता है जो घर पे पढ़ाई करेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि अभी तक में जो कंप्लीट कराया गया है सभी में आपका प्रॉब्लम होगा ही नहीं है, ऐसा नो नेवर, क्योंकि दुनिया में कोई 100% होता नहीं, 100% कभी नहीं होता है, ठीक है। दुनिया में किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में 100% नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे घर पे तो न जाने कितने आपको डाउट्स मिल जाएंगे, चाहे मैथ्स का डाउट हो, चाहे और भी सब्जेक्ट का डाउट है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर के कॉन्टेक्ट में रहिए, टीचर से बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको अगर टीचर के पास समय होगा जरूर देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको खूब मेहनत करना है, और जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्सों को इकट्ठा करना है, और कुछ डाउट्स हो जाएंगे इकट्ठा, आप आराम से सबसे बात कर लीजिएगा जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये सब सारा चीज, और बाद बाकी अभी तो मेन फोकस करना है हम लोगों को रिजल्ट पे, रिजल्ट अच्छा करना है, उसके लिए हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। देन आपका रिजल्ट, देखो अब मान लो रिजल्ट अगर अच्छा ला लेते हो, लेकिन अब आपका पीछा पड़ जाता है नॉलेज, कि आपको नॉलेज कितना है, तो कुल मिलाकर नॉलेज को सबसे ऊंचे पायदानों पे रखा गया है आपका, उसके पीछे आपका मार्क्स कितना है, चाहे आपको कुछ भी, जैसे मान लो एक पूरा बिहार टॉपर हुआ करता था, गणेश था ना, 2014-15 का बात है, पूरा टॉपर तो बन गया था, लेकिन मीडिया वाले जाके पूछ रहे सवाल, कुछ नहीं पता उसको, ये भी नहीं पता कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, तो बताओ कि ऐसे मार्क्स का कोई फायदा है क्या, नहीं। तो मेन फिर हम लोगों को पीछे उसका इफेक्ट फिर होता है नॉलेज, कि आपका ज्ञान कितना है उस फील्ड में, आपने 10th पढ़ाई किया, आप इसके बारे में क्या जानते हैं,
तो कुल मिलाकर आपको सबसे पहले फोकस करना है, ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स ला दिया, कोई टायर भी करके नंबर बढ़वा लिया, तो ये सब का कोई फायदा नहीं है लास्ट में। ठीक है, मान लो टेंथ में तुम अच्छा कर लिए, क्या टेंथ ही तक तुम्हारा लास्ट है? टेंथ के बाद और भी आगे पढ़ाई है, और उसके बाद भी आप लोग फिर से जुड़ेंगे इस कोचिंग से, जो भी अपना अपना सब्जेक्टिव, अपना अपना अलग अलग फील्ड वर्क होगा। तो कुल मिलाकर हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, और रिजल्ट लाकर अपने गांव में अपने माता पिता और खुद का और कोचिंग संस्थान का और बाकी हम लोगों का टीम वर्क का बहुत नाम हो। और मेरा भी यही आशा है कि आखिर जो भी टॉपर्स होते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उनका चार चार आंख होता है, उनके पास डबल पैर होता है और बाकी सब चीज डबल होता है, देर वो ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोगों का वक्स करना है, इतना वक्स करना है कि 500 में कैसे भी 450 नंबर लाना है। ये इतना हार्ड वर्क करना है, इतने हार्ड वर्क करने हैं, क्योंकि देखो अब हार्ड वर्क से मैं नहीं होता है। जैसे मान लो ऐसा थोड़ा ना है कि जो टॉपर करता है उसको कुछ अलग बोर्ड ने बनाया, ऐसा नहीं है। वो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और आप मेहनत कम करते हो। जो चीजें यहां से दिया जाता भाई इसको याद कर लो, तुम वो भी नहीं याद कर पा रहा, सोचो गलती किसका है। तो कुल मिलाकर आप अपने तरफ से गलती मत करो, 15 दिन के जो बचा हुआ टाइम है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, और बाकी एक टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो मिलने का जरिया है, आपको कभी भी डाउट्स हो, कभी भी है कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम देखो अब कोई भी टीचर्स काम क्या करेंगे, आपको तो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, चलना आपको है, याद करना आपको है। ठीक है, तो हम लोगों की एक पूरी टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट को आपको फुलफिल कराती है, और हम लोगों ने कोशिश भी किया बहुत कि आपका अच्छा से अच्छा सभी फील्ड में सभी सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो यही सब बात है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और आप शांतिपूर्वक आराम से एग्जाम देंगे। एग्जाम देखो प्रेशराइज ज्यादा महसूस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई प्रेशराइज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आप समझिए सबसे पहला बात कि प्रेशर इस बात का हो रहा होगा कि कभी आप बोर्ड एग्जाम नहीं दिए होंगे, इधर 5, 6, 7, 8 ये फर्स्ट स्टेज जो होता है जिसमें सेंटर पे एग्जाम देना रहता है, बिहार बोर्ड कंडक्ट कराती है, बाकी इधर तो ऐसे क्लास 5 में 6 में चले जाते होंगे, तो इस तरीके से आप प्रेशराइज महसूस करना चाहिए करते होंगे। लेकिन यही अब की बार ना दो तीन सालों के बाद ये रूल नियम बदल जाएंगे, आप प्रेशराइज महसूस करना बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चों को 8 क्लास में ही सेंटर पे अच्छे से एग्जाम दिलवाया जाएगा, अलग अलग फील्ड में उसको किया जाएगा। तो प्रेशराइज थोड़ा सा महसूस सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं मानो कि हम ही उसमें से थोड़ा सा ये हैं, ये ज्यादा प्रेशर है ऐसा करके। तो कुल मिलाकर आप जो है अपने ऊपर एकदम प्रेशर नहीं हटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। तो यही सब बात था, और इस बात को आपको मुझे आशा है कि फॉलो करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बंद करेंगे।